अमेज़न टास्क फोर्स पुलिस के जरिए एक किराए पर कातिलों को हायर करने का केस डिटेक्ट हुआ है। इसमें अब अफसोस की बात यह है कि हम ये जो इनको लिया है हायरिंग पे, वो हमारा एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, उसका नाम है दासरी बुनिया। ये 1992 में आरएसआई का रिक्रूटमेंट इसका हुआ था करीमनगर जोन में, 1996 में सिविल एसआई का कन्वर्शन हुआ। इसने करीमनगर जोन में चार जिले होते हैं, वो करीमनगर, आदिलाबाद, वारंगल, वो चार जिलों में करीब करीब 12 पुलिस स्टेशन में एसआई का ड्यूटी किया है, एसएचओ ड्यूटी किया है, छोटे छोटे पुलिस स्टेशन एसएचओ होते हैं वो ड्यूटी किया है, और 212 में सीए का इंस्पेक्टर प्रमोशन आया इसको। उसके बाद भी काफी अच्छे अच्छे पोस्टिंग्स किए हैं, मंदनी सर्कल, जम्मीकुंडा सर्कल, हुस्नाबाद सर्कल, 2-3 साल हर एक पोस्टिंग, कुकनूर सर्कल, ऐसे अच्छे अच्छे पोस्टिंग इसने किए हैं। और जब आदिलाबाद ट्रैफिक में था उस समय 2019 में ये इंस्पेक्टर का एसीबी के द्वारा ट्रैप हुआ है, और वो केस में कंप्लेनेंट था विजयपाल रेड्डी, जो इसका दोस्त था। दोनों मिलके एंटी एक्सट्रीमिस्ट वर्क करते समय साथ काम किए थे, तो इसका परिचय था उससे, रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है विजयपाल रेड्डी। तो दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियां आने के बाद ये भूमिया का जो लैंड है या रियल एस्टेट है वो इसको वापस नहीं दे रहा था और सता रहा था। तो दोनों के बीच कुछ गलत फहमियां के कारण एसीबी को उसने कंप्लेंट दिया और रेड हैंडेड इसको 10 लाख लेते हुए कैश पकड़ा दिया एसीबी को। उसके बाद इसका सस्पेंशन हुआ, एक अरेस्ट भी हुआ एसीबी के जरिए, डिस्प्रोपोर्शनल एसेट्स का केस हुआ, और वो केस चलते समय इसका रिटायरमेंट भी हो गया। तो वो दासरी भूमैया जो इंस्पेक्टर है उसके मन में बहुत खौफ थी, इसके बारे में बहुत गुस्सा था, और उसको उसके प्रॉपर्टीज के पास आने नहीं दे रहा था विजयपाल रेड्डी। तो वो गुस्से में इसने इसका कत्ल करने का प्लान किया है। उसने मामिडी चंद्रया, एक पेद्दपल्ली में एक बिजनेसमैन है, उसको उससे बात किया। मामिडी चंद्रया को शंकर से परिचय था, जो जनशक्ति में पहले काम करता था, वो नक्सलाइट्स के साथ, उसके साथ दलम मेंबर था गड्डम कुमार। शंकर ने गड्डम कुमार से बात की, तो दोनों ने मिलके